अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन फतेहाबाद की नई अनाज मंडी में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एडीसी एसपी सहित अधिकारियों ने भी किया योग। सुभिता सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने लिया भाग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज फतेहाबाद की नई अनाज मंडी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एडीसी सुभिता सिंह ने दीप प्रज्वलित कर योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयुष विभाग पतंजलि योग पीठ के योगाचार्यों की देखरेख में साधकों को योग करवाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहरवासी अधिकारियों तथा स्कूली छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। योग का महत्व बताते हुए योगाचार्यों ने बताया कि योग हमारे देश की प्राचीन पद्धति है। योग करने से शरीर निरोग रहता है। आज देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में योग गुरु भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि हर आयु वर्ग के लोगों को अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए। आज पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो पूरे दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है, माननीय मोदी जी के आह्वान पर पूरी दुनिया ने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का मन बनाया है। और ये पांचवा योग दिवस था। फतेहाबाद विधानसभा का ये नई अनाज मंडी के अंदर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्कूलों से बच्चे, गाँव से भी बहुत सारे साथी, योग साधक, योग करवाने वाले शिक्षक, सभी अधिकारी और भारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। योग एक प्राचीन हिंदू संस्कृति सभ्यता का एक अनूठा रूप है, जिसे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व मना रहे हैं। और हम इस दृष्टि से भी देखते हैं कि प्राचीन काल में हिंदुस्तान को सोने की जो चिड़िया कहा जाता था, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को दुनिया मानती थी। आज एक बार फिर से, क्योंकि आज लगातार देखते हैं कि बहुत कट्टरपन जो दूसरे समाजों में रहा है और जो अहिंसा की जो बातें पूरी दुनिया में फैलती है, अगर उसको किसी तरीके से उसको सुलझाने का कोई उपाय नज़र आता है तो हिंदू संस्कृति और सभ्यता है, उसमें योग और गीता जो महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय मोदी जी पूरी दुनिया में घूम करके इसका संदेह भाग के रूप में पूरी दुनिया को इसका संदेश दे रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एडीसी सुभिता सिंह ने आए हुए योगाचार्य और साधकों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। आज हम पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने आज मनाया और इसमें सभी ने बहुत ही उत्साह के साथ हिस्सा लिया और लगभग 5000 योगी इस प्रोग्राम में शामिल हुए, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चे, शिक्षक, महिलाएं, बुजुर्ग सभी फतेहाबाद वासियों ने इस योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कंचन टीवी के लिए फतेहाबाद से दिनेश भारती की रिपोर्ट।